राजस्थान की राजधानी जयपुर में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 11 अप्रैल को 11 बजे एक दिन शहीद स्मारक पर अनशन करेंगे। यह अनशन भले ही अशोक गहलोत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ना किए जाने के खिलाफ हो, लेकिन यहां से एक संदेश को देने की तैयारी है। दरअसल इस दिन महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है और इस दिन के चुने जाने के पीछे कई बड़ी वजह बताई जा रही हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, या फिर यूँ कहें कि मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, जिसको लेकर भाजपा पहले से ही 6 अप्रैल से सप्ताह के रूप में लगातार मना रही है। ऐसे में ज्योतिबा फूले की जयंती पर अनशन पर बैठकर पायलट ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। सचिन पायलट इस अनशन से राजस्थान मध्य प्रदेश के दलित मतदाताओं को अपनी ओर साध सकते हैं। राजस्थान में दलित मतदाताओं को लेकर भाजपा और बसपा के बीच में एक तरह से प्लानिंग चल रही है, लेकिन अब सचिन पायलट इस अनशन के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में हैं। लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं, मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव यह भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगें कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे, और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूँगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है, अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा।